स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेसबुक पे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल एंड तक देखिएगा ये सीखने के लिए। दोस्तों इसके अलावा हम लगातार डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें। तो दोस्तों चलते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों देखिए, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स हैं, बिकॉज वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसलिए मैं सीधा उस एड मैनेजर अकाउंट में जाता हूँ, बिजनेस मैनेजर अकाउंट में, जिसमें मैंने एक एड अकाउंट बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैं आपको एड बनाना बताऊंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया अपने एड मैनेजर अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है जहाँ से हम ऐड क्रिएट करेंगे। क्लिक करेंगे इधर, यहाँ क्लिक करने के बाद हम डैशबोर्ड पे आएंगे। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, या किस तरीके का है, किस टाइप का हमें ऐड बनाना है। तो हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आज आपको बनाना सिखा रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल करेंगे, यहाँ पर हम ब्रांड अवेयरनेस मीडिया भाई एड्स, मैंने एक कैंपेन का नाम दे दिया जिससे फ्यूचर में याद रहे हमने कैंपेन क्यों बनाया था। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम सबसे पहले अपना एड क्रिएट करेंगे, सेट करेंगे अपना पूरा एड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप होता है क्रिएट ऑडियंस, सेव यू सेव्ड ऑडियंस। तो सेव, ये जो यू सेव्ड ऑडियंस होता है, इसका जो पर्पस है क्या है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ लोकेशन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑल ओवर कंट्री में चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, आपको स्पेसिफिक किसी लोकेशन में चलाना है, लाइक मैंने डाला हरियाणा और सेलेक्ट करा, ठीक है, तो हरियाणा आ गया। मैंने डाला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम एरिया, उसका रेंज ऑफ किलोमीटर, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद एज ग्रुप, जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसके हिसाब से जिस भी एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उस एज ग्रुप को हम टारगेट करेंगे। अब हमारा है थोड़ा सा, हम मैच्योर ऑडियंस को करना चाहते हैं जो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ फॉर देयर कंपनी, इफ दे वांट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और नॉट। 45 हम टारगेट करेंगे, मैन वुमेन दोनों को हम टारगेट करेंगे। लैंग्वेजेस में हम कुछ नहीं डालेंगे। अब ये डिटेल टारगेटिंग है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर हम अपना ऑडियंस उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं ऑडियंस। सही ऑडियंस चूज़ करोगे आप, इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाओगे, ध्यान से करोगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कम पैसों में आएंगे। अगर यहाँ आपने कोई भी ढिलाई करी, कोई भी चीज़ सोच बिना सोचे समझे ऑडियंस कर दी, तो अननेसेसरी लोगों का आपका ऐड दिखेगा, आपका पैसा ड्रेन होगा, या रिजल्ट नहीं आएंगे, या आएंगे तो बहुत ही महंगे कॉस्ट पे आएंगे। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर डाला CEO, ठीक है, क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर CEOs ऐड हो गए। और वही मैं यहाँ पर अब जैसे डालता हूँ बिजनेस ओनर, ओके, और सजेशंस लेता हूँ, तो देखिए हमारे पास सजेशंस भी आ गए। तो हम उन सजेशंस में से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चूज करा। अब ब्राउज में करना चाहता हूँ, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो कि आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ टारगेट करना है, किसी का फैन, ये आपके बिजनेस और प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर डिपेंड है। तो सब अपने हिसाब से देखेंगे मेरे को कहाँ से अपना सही ऑडियंस मिल सकता है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स के अलावा आप इंटरेस्ट में से भी देख सकते हो, आप किसी, आपको फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें बेचनी है तो आप फिटनेस, वेलनेस, इनको टारगेट करो। आपको घर, होम, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें बेचनी है तो आप उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो ये हॉबीज़ के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ऑडियंस चूज करोगे, पूरा ऑडियंस बनाओगे, और इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो आपको सही से बनाना है, और इतनी मेहनत करने के बाद, ऑडियंस बनाने के बाद, आप उस ऑडियंस को सेव ज़रूर करना। ये करा हमने सेव, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया उस ऑडियंस के टेम्पलेट को, जैसे मैंने दिया ब्रांड अवेयरनेस
मीडिया भाई, ओके, जिससे कि फ्यूचर में आपको अगर ये ऑडियंस यूज करना है, अगर आपको इस ऑडियंस, आपको ये कैंपेन चला के बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप इसी ऑडियंस को फ्यूचर में किसी और कैंपेन में यूज करना चाहते हो, तो ये देखो यहाँ पर हमारा यूज्ड ऑडियंस का आ गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से इसका बहुत फायदा होता है, फ्यूचर में हमारा समय बचता है। अब प्लेसमेंट्स में हम आएंगे, यहाँ पर हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और एडिट प्लेसमेंट, तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही आप क्लिक रहने दीजिएगा। अब आते हैं बजट एंड स्केड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो एड डिलीवरी है वो ऑलरेडी, यहाँ पर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेली बजट का ऑप्शन है और लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन है, तो मैं डेली बजट के ऑप्शन पे ही क्लिक करूंगा कि डेली में कितना पैसा इस कैंपेन में लगाना चाहता हूँ। तो अब आप 200 रुपये, 500, 1000, कम ज़्यादा अपने बजट और अपने ऑडियंस के हिसाब से आप लगा सकते हैं, और चीज़ें बाद में मैन्युअली भी मैनेज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका मतलब है ये जो आप देख रहे हैं, रन माई एड सेट कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे, मतलब अगर मैं यहाँ क्लिक रहने दूंगा तो अगर मेरा एड अप्रूव्ड हो गया आज, तो आज तुरंत मेरा एड चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एड आज अप्रूव्ड हो जाए बट वो स्टार्ट परसों से हो, तो मैं यहाँ पर जाकर स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ क्लिक रहने दूंगा और मैनुअली भी मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है बिकॉज ये ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, तो जो फेसबुक है हमें इम्प्रेशंस के हिसाब से चार्ज करेगा। यहाँ पर ऑप्शन आ गया स्टैंडर्ड एक्सेलरेटेड, बट स्टैंडर्ड ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड और ये बेस्ट तरीका है एड डिलीवरी का। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब हम आ गए अपने एड बनाने वाले पेज पे, जहाँ हम ऐड बनाएंगे। देखो हमारे यहाँ फेसबुक का पेज ऑलरेडी एडेड है, हमारी कंपनी का पेज जिस पर हमें ऐड चलाना है, साथ में अगर हम फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका इंस्टाग्राम का आपने अकाउंट लिंक कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ वो शो होगा और आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर बाय चांस मल्टीपल पेजेस हैं आपके इसके अंदर, तो आप जब यहाँ टाइप करोगे और वो यहाँ पर होगा तो वो आपको शो हो जाएगा। तो अभी हमने ऐड नहीं कर रखा है, बट हमने इसका ट्यूटोरियल भी, कैसे आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करो, हमने ट्यूटोरियल दे रखा है हमारे चैनल पे, वहां से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं क्रिएट एड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पोस्ट को अगर आप यूज करना चाहो तो यहाँ से आप क्लिक करोगे और आप जो पोस्ट हैं आपकी सेलेक्ट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अपने पेज में जाओगे, वहाँ जो पोस्ट आपने कर रखी है उनको यूज कर सकते हो। बट मैं आपको ऐड क्रिएट करना बता रहा हूँ किस तरीके से आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप ब्रांड अवेयरनेस में ऐड क्रिएट करोगे, दो ऑप्शन होते हैं क्राउजल का, एक या तो आप वीडियो या सिंगल इमेज ऐड चला सकते हो, दो फॉर्मेट होते हैं। तो मैं आपको क्राउजल ऐड से बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव होते हैं, इसमें मल्टीपल ऐड डिजाइंस आप डाल सकते हो, बहुत कंटेंट डाल सकते हो, या इसकी जगह वीडियो ऐड भी चला सकते हो। तो मैं आपको अभी इसमें क्राउजल का बता रहा हूँ, तरीका वही है सेम। अब क्राउजल्स में क्या होता है, तीन से चार तरीके, मतलब मिनिमम दो आपको ऐड डिजाइन्स तो चाहिए, वरना आप 4, 5, 6, 8, 10 जितने मर्जी क्राउजल्स, अप टू 8-10 क्राउजल्स बनवा सकते हो, ठीक है। और इसके देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं, साइजेस क्या होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर और इसमें ओवर टेक्स्ट के बारे में भी दे रखा है, सारा फॉर्मेट कौन सा है वो दे रखा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आप एक सही ऐड बना पाओगे। ऐड बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंटेंट बहुत सही होना चाहिए। तो पहला मैं क्राउजल यहाँ पर जब मेरे को है अपलोड करना है, मैं सेलेक्ट इमेज पे जाऊंगा। सेलेक्ट इमेज पे जाने के बाद मैं अपलोड इमेजेस पे जाऊंगा, यहाँ से मेरे फोल्डर में, मेरे डेस्कटॉप में मैंने जो ऐड डिज़ाइन करवाए हैं अपने डिजाइनर से, वो मैंने रखे हुए हैं। तो मैं कोई भी जो ऐड है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, पहला क्राउजल अपलोड करा, और उसके बाद उसको, ये देखिए हमारे पास साइजेस हैं, उसको मैंने कंटिन्यू करा, ठीक है। अब वो क्राउजल यहाँ अपलोड हो गया। अब मैं सेकेंड, पहले मैं क्राउजल अपलोड कर लेता हूँ, फिर उसका ऐड बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्राउजल पे गए, अपलोड इमेज पे क्लिक करा, फिर यहाँ गए
और इस क्राउजल को भी अपलोड कर, ओके, और कंटिन्यू कर। सिमिलरली थर्ड भी कर लेते हैं, बस तीन ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे हम कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड इमेज पे गए और यहाँ पर अपलोड हुआ, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे अपलोड हो गया, हम कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा आप देख सकते हैं थर्ड क्राउजल भी आ गया। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से व्यूज हैं सारे। अब देखिए, डेस्कटॉप व्यू पे मैं क्लिक करूँगा, देखो डेस्कटॉप व्यू आ गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम ऐड बनाएंगे, ये हमने क्राउजल्स अपलोड कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा। सबसे पहले दोस्तों, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, ये जो टॉप में ऐड के हमारे ऐड आता है, क्योंकि सब क्राउजल के लिए सेम होता है पूरे। तो इस कंटेंट को बहुत आपको सोच समझ के बहुत इफेक्टिवली बनाना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गेट अप टू 50% डिस्काउंट, ओके। ये मैंने डमी लिखा है, बिकॉज क्या कहते हैं, आप तो अपना कंटेंट सारा टेक्स्ट बहुत सोच समझ के बनाइएगा। और अब हम ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा वो टेक्स्ट आ गया। अब हेडलाइन डालेंगे, ये पहले क्राउजल के लिए है। अब जो हम हेडलाइन डालते हैं यहाँ पर आती है, ये देखिएगा अभी आप, यहाँ हम डालते हैं गेट प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालेंगे गेट बेस्ट डील्स, ठीक है दोस्तों। यूआरएल डालेंगे हम अपनी वेबसाइट का, जहाँ पर हम चाहते हैं कि कस्टमर जाए और वहाँ पर लैंड हो। तो हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको हम कॉपी करेंगे, यूआरएल को कॉपी करा और यूआरएल को यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हमने यूआरएल यहाँ पर डाला, ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग एड, ठीक है। आप इसको चाहें तो रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हटा दीजिए। तो अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन हम लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारा कोई अप्लाई ना हो का है तो वो कर सकते हैं, बुक ना हो, कोई मूवी टिकट बुक करनी है, कुछ बुक करना है, या होटल बुक करना है, ठीक है। हमें कॉन्टेक्टस या गेट कोट हमारे लिए सूट करता है, तो हम गेट कोट पे करेंगे कि कोई हमसे कोटेशन लेना चाहे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो ले सकता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ गया इधर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी क्राउजल्स पर भी, सेकेंड क्राउजल पे जाएंगे, ऐसे ही आप सेम हेडलाइन डाल देंगे, जो जो भी आपको यहाँ पर डालनी है गेट कस्टमर ऑनलाइन, ट्रांस ट्रांसपेरेंसी ऑल, ठीक है। ये मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको हर एक एड डिज़ाइन कंटेंट सारा बनाना है कि आपका जो एड है बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही लोगों को अगर अपील करेगा तो उतना ही आपका क्लिक थ्रू रेशो बढ़ेगा, लीड आएंगे, इंक्वायरीज आएंगी, ओके। तो अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमने पूरा का पूरा बनाया। अब यहाँ पर आप देखिए,
फेसबुक पिक्सल का सेटअप का आ रहा है। अब फेसबुक पिक्सल कोड जरूर सेटअप कीजिएगा अपनी वेबसाइट में, बिकॉज इससे आप फेसबुक के थ्रू जब भी मार्केटिंग करेंगे आप सारा डाटा, सारी ट्रैकिंग, हर चीज़ कर सकते हो। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एड्स भी ऑप्टिमाइज होंगे, आपको नॉलेज ज़्यादा होगी, आप सही समझ पाएंगे अपने ऑडियंस को, ट्रैक कर पाएंगे। और इसका वीडियो हमारे ट्यूटोरियल में है, वहाँ से आप देख के इंस्टॉल कीजिए तुरंत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंफर्म करते हैं। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद अब हम देख सकते हैं हमारा ऐड पब्लिश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऐड बन चुका है, अब ये फेसबुक में पब्लिश हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। और इसके पब्लिश होने के बाद ठीक है, यहाँ पर हमारे एड्स रिव्यू में आ गए। ठीक है, अब अगर ये अप्रूव्ड हो जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, चलने शुरू हो जाएंगे, और अगर अप्रूव नहीं होंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं जो मेरे एड्स हैं उनको मैं पॉज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट हो जाए और हमारा फंड्स कट जाए, तो इसलिए मैंने पॉज कर दिए हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा फेसबुक पे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन किस तरीके से बनाएं। तो इसी तरह हम लगातार और भी टॉपिक्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लगातार बना रहे हैं। तो दोस्तों आपका कोई भी क्यूरी है या कुछ भी और आप इसके अलावा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम उस पर भी आपको हेल्प कर सकें। दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।